गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कोमल, कॉलिंग फ्रॉम धनी। क्या मेरी बात रमन कुमार जी से हो रही है? हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए कॉल किया है क्या? नहीं सर, आपका एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉल की गई है। बताइए। जी सर, आपको बताना चाहूँगी, आप हमारे धनी के अवेलेबल कस्टमर थे, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉल की गई है। जब आप अपना धनी ऐप लॉग इन करते हैं ना, तो नहीं उसमें कर आपका पाया, मैंने 6 महीने से डिलीट कर रखा है। आगे बताइए। सर, जब आप धनी ऐप पे जब लॉग इन करेंगे तो उसमें आपका आपका सेकंड ऑप्शन आता है धनी फार्मेसी का। वो अभी आपका जो है धनी स्टोर में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें कि आप डेली वेयर में जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जैसे आपका हाउस होल्ड पहले आप आइटम्स तो हो गए। धनी कस्टमर केयर का सर्विस ठीक कीजिए, फिर मैं धनी यूज करूंगा, अन्यथा मुझे धनी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर आपने यूज ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सर्विस सही नहीं है? भाई मैं यूट्यूब चैनल है, मैं खुद परेशान हूँ धनी से, लाखों लोग यूट्यूब परेशान चैनल, हैं धनी से। यूट्यूब चैनल वाले तो कुछ भी डाल देते, तो आप उन पे बिलीव कर अच्छा, लेंगे सर? मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे पता है ना। मेरा 6 महीने, मैंने 2 महीने यूज किया था, मैं सोचा था पैसे वापस कर दूंगा, मैंने पैसे ही वापस कर दिया। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आज तक परेशान हूँ, लेकिन वो ऑफ नहीं हो पाया, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने डिलीट कर दिया। वो एक्चुअली मैं बता देती हूँ आपका, इस वजह से आपको लगता है, जैसे आपने अपना प्लान एक्टिवेट किया है, ठीक है, जिस मंथ आप यूज कर रहे हैं, आप उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसको एक्टिवेट ही रखते हैं, तो आपका आप उस मंथ आपने यूज नहीं किया है, और वो एक्टिवेट होने के कारण आपका सब्सक्रिप्शन फीस आपका लग जाता है सर। अच्छा, मतलब सबसे मूर्ख हम ही लोग हैं ना। सर आपको हम लोग आप को ये अगर चीज आपको एक्टिवेट इन्फॉर्मेशन, करना आता है तो ऑफ करना भी तो आता होगा ना। तो ऐसा सर्विस आप लोग दोगे तब ना हम लोग ऑफ कर पाएंगे। सीधा सीधा और बोलते हैं कस्टमर केयर ही उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आपको अच्छा वहाँ पे खुद से आप जब ऐप को देखते हैं ना, तो उसमें आपका लास्ट में सेटिंग में जाके आपको प्लान कैंसिलेशन का आता है। अगर आपका टोटल ड्यू क्लियर है, आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करना है, तो सारी चीजें मतलब आपका क्लियर है, तो आप उसको जाके कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपका ड्यू बचा हुआ है या आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस आपने उस मंथ नहीं दिया है, तो तब आपका कैंसिल नहीं होता है सर, बाकी वो होने आपके वाला हैंड भी से। नहीं है, जब मुझे कैंसिल कर रहा था हुआ ही नहीं। अब 8 महीने बाद आप 1600 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस मांगोगे तो मुझे क्या जरूरत है ऑफ करने की? रहने दो भाई, जब मैं ऑफ कर रहा था तब जरूरी था ना। जब सब्सक्रिप्शन फीस मेरा 199 था तब मैं बहुत ऑफ करना चाहा, नहीं हुआ। सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करना था, मेरे पास 10-12 मेल पड़े हुए हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, तो और वो वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। तो जब नहीं ऑफ हुआ तो मैंने छोड़ दिया, मेरा क्या फायदा। छोड़ो, अब आप ऑफ करने का तरीका भी बता रही हो, जब सब्सक्रिप्शन फीस ही 1000-2000 रुपये हो चुका है तो मैं ऑफ करके क्या करूंगा? रहने दो। सर कोई इश्यू नहीं है, आपसे वो तो उन्होंने बोले, बस आपको इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉल की गई है, बाकी आपको जो भी इश्यू होता है आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके बोल सकते हैं।